Good morning, everyone. Welcome to once again in your science class. Today, we will start our chapter 5. Name is Birds, Beaks and Claws. When we eat food, we cut and bite our food with our teeth. But what about the birds? Do birds have teeth? No they don't have teeth they have beak they use their beak to catch and eat food but do all the birds have the same kind of beaks no different birds have different kind of beaks depending upon on their food that they eat clear but in a, third in a third class, we have already read about the birds, their features, and nesting habits. In this chapter, we will learn about the feeding habit. Clear? Now, start from beaks. Birds do not have teeth. Birds ke teeth ne hai? They use their beak to tear, bite, chisel, crush the food. वो क्या करते हैं अपनी बीक को यूज़ करते हैं टीयर करने के लिए बाइट चीसल मीन्स कट करना क्रश मींस स्मॉल पार्ट करना फूड का दैट इज दे यूज़ देयर बीक द सेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट ऑफ द बर्ड द बर्ड इट अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट द सेप इज ऑफ द बीक इज डिफरेंट सम बर्ड्स यूज देयर बीक टू फाइट द एनिमी और कैच द प्रे फाइट करने के लिए एनिमी से और अपना शिकार प्रे शिकार अपना खाना कैच करने के लिए दे यूज देयर बीक दे ऑल्सो यूज़ इट फॉर प्रिनिंग वट इज अ प्रिनिंग प्रिनिंग मिस क्लीन द फैदर एंड सेट दैम राइट अपने फैदर्स को क्लीन करना और उसको अच्छे से सेट से करना दैट इज़ प्रिनिंग ये क्या है वैक्स क्रिएट होती है बेस से ऑफ़ द फैदर बाय दिस दिस डू इट टाइप ऑफ बिक्स क्रशिंग बिक्स कार्ड पर्चिंग चेसलिंग, प्रोबिंग शिफ्टिंग एंड स्टिकिंग वी विल डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट इज क्रशिंग बिक बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन हैव अ शोट एंड हार्ड बिक दे यूज इट उनकी जो स्पैरो एंड पिजन उनकी बीक होती है दैट इज शॉट छोटी एंड हार्ड होती है दे यूज इट फॉर क्रशिंग सीड सीड को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कट करना देट इज़ क्रशिंग एंड ग्रेन्स दे मेक देम सॉफ्ट बिफोर ईटिंग वो क्या है फूड को पहले क्या है उसको क्रश कर लेंगे उसको सॉफ्ट कर लेंगे दैन दे ईट तो द क्रशिंग बीक हैव बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन नेक्स्ट इज कॉर्ड बिक बर्ड्स लाइक पैरेट है देप दैम टू क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स यू सीन योर सराइंडिंग द पैरेट ना नेक्स्ट इज परचिंग एंड टीयरिंग सम बर्ड लाइक ईगल एंड वर्ल्चर दे ईट फ्लैश फ्लैश मीन्स मास वगैरह सच बर्ड्स हैव अ स्ट्रोंग हार्ड एंड काउड बीक दैट हेल्प दैम टू टीयर द फ्लैश इनकी जो बीक होती है तो दैट इज स्ट्रोंग स्ट्रोंग होती है हार्ड होती है और काव्ड होती है आगे से थोड़ी काव्ड होती है वो क्या करती है उसको हेल्प करती है टू टीयर द फ्लैश जैसे हमारी स्किन थोड़ी हार्ड होती है हम अपनी नेल्स को कट तो नहीं टीयर तो नहीं कर सकते दैट्स वाई दे आर बीक इज सो स्ट्रोंग टू दैट हेल्प टू टीयर द फ्लैश क्लियर देर आर सम डू यू नो देर आर द सम वर्ड्स दैट इमिटेट आवर वॉइस यू नो वेरी वेल पैरिट दैट मिमिक आवर मिमिक्री आवर क्लियर क्रो एंड हैंड्स हैव बीक दैट हेल्प दैम टू ईट अ वराइटी ऑफ फूड लाइक मीट फ्रूट्स ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स जो क्रो है हैंस है उनकी बीक क्या है उसको हेल्प करती है क्या जो डिफरेंट टाइप के फूड दे ईट करते हैं वो मीट बीट करते हैं फ्रूट्स भी ग्रेन्स एंड इंसेक्ट एक्सेट्रा दे ईट तो दैट्स हेल्प द क्रो एंड हैंस क्लियर तो फर्स्ट इज क्रशिंग बीक सेकेंड इज़ काउड बीक थर्ड इज परचिंग एंड टीयरिंग बीक क्लियर And now we comes on the next. First, crushing beak is found in sparrow and pigeon, curved in parrot, and perching and tearing beak we found in eagle, vulture. And what is the same difference eagle and vulture? Because they eat the flesh. So they have a strong and hard beak unki jo beak hoti to that is very strong and hard and curved next is chiseling beak like birds like the woodpecker they have a strong long and straight beak look at the picture woodpecker have a strong and that is long long beak hoti hai, straight this help them to pick at the wood एंड ईट इंसेक्ट प्रजेंट इन दुड ये बीक उसकी हेल्प करती है पीक एट द वुड पीक में छेद करना यानी बाइट करना एंड ईट इंसेक्ट प्रजेंट इन द वुड और जो वुड के अंदर छोटे इंसेक्ट होते हैं उसको क्या कैच करने को ईट करने में दैट हेल्प तो देट इज़ अ चीसलिंग बीक डू यू नो वाइल्ड पीकिंग एट सम थिंग्स अ बर्ड मूव इट्स बिग फावर क्विकली एंड वाइट एट इट वो क्या जल्दी से वुड के अंदर बिक करेगा पिक करेगा और उससे इंसेक्ट लेके उसको जल्दी से क्विकली ईट कर लेते हैं एंड दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस नेक्स्ट इज प्रोबिंग बीक सम बर्ड्स लाइक अ ह्यूमिंग बर्ड्स ह्यूमिंग बर्ड वाई बिकॉज दे फ्लैप देअर विंग्स वेरी फास्टली सनबर्ड एंड हैव अ लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक इनकी जो बीक होती है लुक एट द पिक्चर लॉन्ग एंड स्लैंडर सनबर्ड सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लार जो सनबर्ड होता है वो क्या है फ्लार से नेक्टर रस फ्लार का जो उसको क्या है सक करने में हेल्प करती है उसकी बीक एंड हुप टेक आउट इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्राम द होल्स इन द ग्राउंड और हु की किस में हेल्प करती है बीक उसको क्या जो इंसेक्ट और वर्म्स होते हैं किसमें ग्राउंड में जो छोटे होल होते हैं उनके अंदर होते हैं तो दैट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक दे टेक आउट दैट इंसेक्ट एंड वर्म्स एंड ईट दैम अ ह्यूमिंग बर्ड डू यू नो कैन फ्लैप इट्स विंग्स नाइंटी टाइम इन जस्ट वन सेकेंड इनकी जब ह्यूमिंग बर्ड क्यों वाई वी से दैट बिकॉज इनके जो विंग्स ये फ्लैप करते हैं उसका साउंड हमें सुनाई देता है अच्छे से तो ह्यूमिन बर्ड्स कैन फ्लैप इट्स विंग्स वो नाइन्टी टाइम्स इन वन सेकेंड में वो इतनी जल्दी अपने विंग्स को फ्लैप कर लेते हैं नेक्स्ट इज कमिंग ऑन शिफ्टिंग बिक द डक हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड बिक डक की जो बीक है दैट इज़ फ्लैट एंड ब्रॉड थोड़ी बड़ी फ्लैट फॉर्म में होती है विच हैज़ अ स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड और आप नोट करोगे उसके बीक के अंदर दोनों साइड क्या होते हैं स्मॉल होल्स होते हैं इ डिग अब द फूड अलोंग विद मर्ड बिकॉज वैन इट टेक द फूड फ्रॉम द मड तो ये होल्स के थ्रू क्या करते हैं मर्ड और वोटर को बाहर निकाल देते हैं एंड देन टेक देअर फूड एंड ईट दैम क्लियर लुक एट दिस पिक्चर इट डेक अप द फूड अलॉन्ग विद मर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द पौंड और लेक इट्स बी पुश आउट द मड मड को पुश आउट कर देती है एंड वाटर ऑल्सो वाटर को भी फ्रॉम द होल्स जो होल्स हैं उसके बोथ साइड लीविंग द फूड बिहाइंड और लास्ट में उसके माउथ में क्या है उसकी बीक में क्या बजता है फूड इट्स बीक दज हेल्प इट टू शिफ्ट फूड फ्रॉम मड एंड वाटर तो इसकी बीक जो क्या हेल्प करती है किसमें फूड को सिफ्ट करने को फ्रॉम किससे मड और वाटर में बिकॉज यू गेट देयर फूड फ्रॉम द मड एंड वाटर ना तो फ्रॉम दैम दो द होल्स अपने होल से वो क्या करती है मर्द और वोटो को निकाल देती है एंड ईट द फूड क्लियर नेक्स्ट इज स्टिकी बीक अ स्वेलो हैज़ अ स्मॉल ब्रोड एंड स्टिकी बीक स्टिकी में चिप चिप चिपचिपा होना है ऐसे तो उस वेलो की स्मॉल होती है ब्रोड होती है एंड स्टिकी बीक होती है वाई दैट इज स्टिकी इन साइड वो इन साइड अंदर की साइड से स्टिकी होती है बिकॉज जब ये फ्लाई करती है तो वो क्या फ्लाइंग के टाइम ही ये फ्लाइज को कैच कर लेती है द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वेलो इज़ अ श्योर साइन दैट समर इज़ ऑन द वे जब ये हमें सुनाई देती है इसकी साउंड मिस समर इज़ कमिंग समर आने वाला है तो ये इसकी फ्लोक्स से ही हमें पता है थैंक यू